हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। तो गाइस हाजिर हूँ मैं टॉप 5 सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ, और यहाँ हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे गेम्स जो बहुत जल्दी प्ले स्टोर पे आने वाले हैं। क्या होता है गाइस कि गेम रीजन और ग्लोबल दो तरीके से रिलीज होते हैं हमेशा जब भी मार्केट में आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि कुछ गेम्स आपको कोरिया के लिए मिल जाएंगे बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे, बट वो गेम्स ऐसे होते हैं दैट आपको पता होना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी गाइस प्ले स्टोर की रीजन वाइज होती है, आपको तो पता ही होगा। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ 5 गेम्स को सॉर्ट आउट किया है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो प्ले स्टोर पे अभी तो अवेलेबल नहीं है बट मे बी इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाएं। इसके अलावा गाइस प्ले स्टोर टाइप की एक और एप्लीकेशन है टैप, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी चीज़ों की, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो बेसिकली ये सारे गेम्स आपको प्ले स्टोर पे तो नहीं मिलेंगे बट एक बात की गारंटी है, आपको ये टैप एप्लीकेशन पे प्री रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएंगे, तो आप साइन इन कर लो और वहाँ प्री रजिस्टर कर देना। गाइस हम लोग इन्हीं गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो गेम्स अभी अपकमिंग है एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, लाइक हाई ग्राफिक गेम्स है। मे बी ये गेम्स का गाइस जॉनर बैटल रॉयल हो सकता है, स्टोरी मोड हो सकता है, या फिर रोल प्लेइंग गेम्स भी हो सकता है। और गाइस गेम काफी डिफरेंट है हर गेम एक दूसरे से। तो गाइस सारे गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हो टैप पे। तो आइए चलते गाइस वीडियो की ओर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और बात करेंगे उन सारे गेम्स की जो अपकमिंग एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, एंड ऑब्वियसली गाइस इनकी अवेलेबिलिटी एप्पल डिवाइसेस के लिए भी होगी। तो गाइज लिस्ट में जो सबसे पहला गेम है वो है जस्ट कॉज मोबाइल। अगर इस गेम के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। तो गाइज ये गेम एक एक्शन पैक स्टोरी कैंपेन मोड का गेम है, कॉम्पिटिटिव होगा, मल्टीप्लेयर होगा और अप टू 30 प्लेयर्स का सपोर्ट मिलता है इस गेम को। बेसिकली गाइज इस गेम में 30 लोग एक साथ खेल सकते हैं और गेम बना है अनरियल इंजन 4 पे। अब गाइज अनरियल इंजन 4 पे है तो आपको ऑब्वियसली बात है ग्राफिक्स में कभी कमी नहीं दिखने वाली है। सो गाइज इस गेम का जो पीसी वर्जन है उसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लाइक बेस्ट गेम ऑफ द ईयर, बेस्ट गेम डायरेक्शन, बेस्ट नैरेटिव, बेस्ट ऑडियो डिजाइन, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। गेम की हिस्ट्री की बात करें गाइज तो पहली बार पीसी एंड कॉन्सोल्स के लिए 2006 में गेम आया था और 2018 में जस्ट कॉज का पार्ट 4 आया हुआ था। एंड गाइज अपने यूट्यूब चैनल पे जस्ट कॉज ने ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया है जस्ट कॉज मोबाइल का, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी। तो गाइज ये गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है टैप एप्लीकेशन पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहां से जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइसेस दोनों के लिए। तो चलो गाइज इस गेम के लिए प्री रजिस्टर कर देना और वेट करते हैं ये गेम खेलने के लिए कब तक अवेलेबल हो जाता है। तो आइए गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है एक सबसे पॉपुलर गेम के बारे में जो कि है पबजी मोबाइल न्यू स्टेट। सो गाइस मुझे नहीं लगता इस गेम को आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी इस गेम ने 10 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन को गूगल प्ले स्टोर पर क्रॉस कर दिया है। गाइस प्रॉब्लम एक ही है दैट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, रीज़न उसका ये है दैट पबजी मोबाइल बैन है इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से। सो गाइज इंडियन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे तो आपको नहीं मिलेगा खेलने के लिए गेम या फिर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल में, बट टैप की एप्लीकेशन पे आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएगा। एंड एक और न्यूज़ गाइज इस गेम की बहुत जल्दी बीटा टेस्टिंग शुरू होने वाली है, तो फटाफट जाओ प्री रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आपको एक्सेस मिले बीटा टेस्टिंग के लिए। गेम की बात करें गाइज तो होल एंड सोल क्राफ्टन ही रिस्पॉन्सिबल है गेम को डेवलप करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गेम के ग्राफिक्स को लेकर, बल्कि गाइज मैं तो कहूंगा कि इस गेम के ग्राफिक्स इतने ज़्यादा हाई होने वाले हैं दैट ये हाई एंड डिवाइसेस को ही अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा, लाइक स्मूथली चल पाएगा हाई एंड डिवाइसेस पे। तो चलो गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके प्री रजिस्टर कर लो और मुझे बताना दैट गेम एक्सेसिबल कब तक होता है, और अगर मिल जाता है आपको एक्सेस तो खेल के बताना कमेंट सेक्शन में गेम कैसा लगा आपको। तो आइए चलते गाइज नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है मेरे वन ऑफ द फेवरेट एपेक्स लेजेंड के बारे में। थोड़ा सा गाइस गेम के बारे में आपको बता दूं तो एपेक्स लेजेंड एक फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम है जिसको डेवलप करा है रिस्पॉन एंटरटेनमेंट ने और पब्लिश करा है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। सो गाइस फर्स्ट टाइम गेम रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 के लिए फरवरी 2019 में, एंड निंटेंडो स्विच के लिए गेम आया था गाइस मार्च 2021 में। सो गाइस एपेक्स लेजेंड के डेवलपर्स ने यह अनाउंसमेंट करी है 2022 तक ये गेम एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा गाइस ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करता है। सो गाइस अगर आप स्क्वाड मैचेस खेलते हो तो एक साथ 3 लोग खेल सकते हैं एक स्क्वाड में, जहां पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 20 होते हैं, और अगर आप डुओ मैचेस खेलते हो तो वहां पे 30 प्लेयर्स हो सकते हैं एक पूरे के पूरे मैप में। सो गाइज नंबर ऑफ कम्युनिटी प्लेयर्स की बात करें अगर एपेक्स लेजेंड की वर्ल्ड वाइड तो 25 मिलियन प्लेयर्स हो चुके थे फर्स्ट वीक में ही इसके, 50 मिलियन प्लेयर्स हो चुके थे फर्स्ट मंथ के एंड में, एंड गाइज अक्टूबर 2019 के एंड तक का ये एग्जैक्टली अप्रॉक्स डेटा है 70 मिलियन प्लेयर्स हो चुके थे वर्ल्ड वाइड इस गेम के। सो गाइज आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो इस गेम की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी होगी वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा गाइज गेम पूरा फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर्स पे बेस्ड है और गेम बनने वाला है अनरियल इंजन 4 पे, तो नो डाउट ग्राफिक्स में कोई कमी नहीं दिखने वाली आपको। इसके अलावा गाइज एपेक्स लेजेंड की जो कंपनी है ये दावा करती है कि अगर गेम सक्सेसफुल होता है वर्ल्ड वाइड एंड्रॉइड डिवाइसेस वाला तो इसके ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी होंगे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। तो गाइज ये गेम अभी प्ले स्टोर इंडियन प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है बट टैप के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाओ फटाफट से वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन कर दो।
अवेलेबिलिटी की बात करें गाइस, तो गेम 2022 में ही अवेलेबल होगा, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि एपेक्स लेजेंड जो प्री रजिस्ट्रेशन वाले यूजर्स हैं उनको बीटा टेस्टिंग के लिए गेम प्रोवाइड कर दे। तो चलो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाकर प्री रजिस्ट्रेशन कर दो इस गेम की। कोई भी इन्फॉर्मेशन और निकलती है तो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, और अगर आपको मिल जाती है तो गेम खेल के बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है आपको। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है दैट एक सोलो डेवलपर की तरफ से गेम आता है और वो बहुत हिट हो जाता है। सेम गोज विथ बाइनरी गॉड्स। सो गाइस, बाइनरी गॉड्स को डेवलप करा है डीमो डेवलपर्स ने, जो कि रे आर्क के फाउंडर हैं। गेम के बारे में बात करें गाइस, तो गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो रोबोटिक टाइप से है, और गेम लेवल क्लियर करने होंगे आपको। हर स्टेजेस पे आपको डिफरेंट टाइप के एनिमीज मिलेंगे, उनको किल करते हुए आगे बढ़ना होगा। गेम के थीम को गाइस पूरा का पूरा साइबॉर्ग के फॉर्म में रखा गया है, और अगर आप लोगों ने इम्पुल्शन नाम का एक गेम खेला होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो सेम डेवलपर ने बनाया है इस गेम को भी। सॉफ्टवेयर की बात करें गाइस, तो गेम अनरियल इंजन 4 पे बन रहा है और एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस दोनों के लिए अवेलेबल होगा मार्केट में। अवेलेबिलिटी की बात करी जाए गाइस, तो गेम की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है मेरे पास, बट गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है टैप टैप की एप्लीकेशन पे, एंड यस ये गेम आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। तो चलो गाइस, गेम की लिंक आपको प्री रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से जाओ प्री रजिस्टर कर दो। मे भी हो सकता है कोई बीटा टेस्टिंग के लिए ऑप्शन आए तो आप भी एलिजिबल हो, अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखते हो तो। कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बीटा टेस्टिंग या फिर रिलीज डेट की मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर गाइज अगर आपको नोटिस मिलता है अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हो tap.io पे, तो मुझे खेल के कमेंट सेक्शन में बताना गाइज गेम कैसा लगा, और फटाफट जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो। चलो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो गाइज, जो हमारा लिस्ट में लास्ट गेम है जो कि आखिरी है, उसका नाम है ब्लेड एंड सोल, और ये गेम गाइज कोरियन डेवलपर ने डेवलप करा है जिसका नाम है NCS सॉफ्ट। गेम गाइज ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम है और मैसिवली मल्टीप्लेयर लोग इसको खेलते हैं। थोड़ा सा गाइस गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो गेम में क्या होता है गाइस, जो भी कैरेक्टर है आपका उसका एक पर्टिकुलर एनिमल पावर होती है, लाइक वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है दूसरे एनिमल्स में और फाइट ले सकता है सामने वाले एनिमीज से। सो गेम में गाइस जो कैरेक्टर हैं वो मार्शल आर्ट के कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड हैं, लाइक मार्शल आर्ट के जो कॉम्बैट्स होते थे चाइनीज वाले। अब चूंकि गाइस ये गेम ओपन वर्ल्ड है तो यहाँ पे आप अपना खुद का कैरेक्टर फॉर्म करते हो, उनकी खुद की पावर डिसाइड करते हो, और वर्ल्ड वाइड जो क्वेस्ट है ओपन वर्ल्ड में उनको कंप्लीट करके गेम को आगे बढ़ना होता है। डेवलपमेंट की बात करी जाए गाइस, तो NCS सॉफ्ट है इस गेम के पब्लिशर्स। गेम MMORPG मोड में है और अनरियल इंजन 3 पे बनाया गया है इस गेम को। एंड यस गाइस, ये गेम आपको इंडियन प्ले स्टोर पे प्री रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं मिलेगा, तो टैप टैप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाओ और प्री रजिस्ट्रेशन कर दो इस गेम को। तो वेट करते हैं गाइस इस गेम की बीटा टेस्टिंग कब होती है। अगर बीटा टेस्टिंग होगी, अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखते हो, तो आप एलिजिबल हो इस गेम को खेलने के लिए। तो चलो गाइस, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर iOS यूज़र हो तो गेम को प्री रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर देना, और अगर आपको बीटा टेस्टिंग की ऑप्शन मिलता है तो मुझे खेल के बताना कमेंट सेक्शन में दैट गेम आपको कैसा लगता है। एंड इसके अलावा गाइस, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलीज डेट की तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे चैनल के प्रीमियम सब्सक्राइबर हो, वीडियो को लाइक कर देना, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। इसके अलावा गाइस, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।